ड्राई क्लीनिंग करना है, इससे मैं ड्राई क्लीनिंग करके दिखाऊंगा, और इससे आयरनिंग भी हो जाएगी, स्टीम आयरनिंग भी हो जाएगी, जो आपको अच्छा लगे वो। फिलहाल तो मैं इसे ड्राई क्लीनिंग करके दिखाऊंगा, फिर आप भी कॉन्फिडेंस हो जाओगी कि हमें इसे घर पे आप ड्राई क्लीनिंग कर सकोगे। ये पूरा स्टोन वर्क है, ये साड़ी मैं ज्यादातर मशीन में ड्राई क्लीनिंग करता हूँ। मशीन में ये साड़ी ड्राई क्लीनिंग सिर्फ 5 मिनट में हो जाती है, 5 मिनट में ड्राई भी हो जाती है, उसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता। लेकिन मैं आपके लिए, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैं प्रैक्टिकली ड्राई क्लीनिंग करके नहीं दिखाता, तो मैं आपके लिए ये ड्राई क्लीनिंग करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए, अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक जरूर कर दीजिए। जितने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे, मैं हर एक टाइप की साड़ी, हर एक वैरायटी की साड़ी आपके लिए ड्राई क्लीनिंग घर पे करके दिखाऊंगा, यानी आप भी इसे कर सकोगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नेट की जो साड़ी है, ये मैं ड्राई क्लीनिंग करने वाला हूँ। इसको कॉल लगा हुआ नहीं है, साड़ी भी फ्रेश है, ज़्यादा मेली नहीं है। फिर हम इसे, और इसको फॉल भी नहीं है, फॉल की जगह जो है, फॉल का जो बॉटम है, नीचा निचला, वो भी कुछ मैला नहीं है। तो हम इसी तरह इसे ऐसा रोल 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 करेंगे, फिर ये जो मैल होगा थोड़ा बहुत, वो अच्छे से निकल जाएगा। अच्छे क्वांटिटी में आपको जो पानी है वो लेना है, उसके बाद में आपको अच्छे से सोडा, डिटर्जेंट और कुछ कंडीशनिंग के लिए कुछ शैम्पू या लिक्विड सोप लेना चाहिए। इजी वगैरह जो आपके पास अवेलेबल होगा वो लेना चाहिए। एसिटिक एसिड मैंने इसमें नहीं डाला है, वो बकेट में डाला है, क्योंकि और इसके ऊपर ये जो स्टोन है, तो हमें ज़्यादा देर इसमें, इसे मटेरियल में नहीं रहने देना पड़ेगा। तो फिर हमें सिर्फ 5 मिनट से भी कम वक्त में इसे ड्राई क्लीनिंग कर लेना है। और नेट की साड़ी है, ऐसा अगर करेंगे तो भी इसका जो मैल है वो निकलने वाला है। तो हो गया इसका काम। आप भी देखिए, आपके पास अगर ऐसे कपड़े होंगे तो फिर आप उन्हें कॉन्फिडेंसली ड्राई क्लीनिंग कर सकेंगे। तो अभी दोनों बकेट्स में से मैं इसे पूरा अच्छे से डिप कर लूँगा, फिर इसमें जो जो डिटर्जेंट है, जो डिटर्जेंट इसमें जो बचता है पूरा निकल जाएगा। अभी साड़ी को मैं इधर सुखा दूँगा। सुखाने के लिए आपके पास अच्छी सी जगह होनी चाहिए, वायर या कुछ ऊपर बंधा हुआ हो तो भी चलेगा, नीचे ज़मीन पे भी डाल सकते हैं आप। आपको केयर इतनी ही लेनी है कि जगह आपकी अच्छी अच्छी सी साफ़ होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ड्राई क्लीनिंग का काम, ड्राई क्लीनिंग कैसे करते हैं वैसे दिखा दिया। आज मैंने कोई सा भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं किया, हाइड्रो नहीं, ड्राई क्लीनिंग मशीन नहीं, सब काम मैंने अपने हाथों से किया है। हैंड वॉश जो आप इजीली घर पे कर सकते हैं, वही अपना मोटिव था कि आप ड्राई क्लीनिंग एट होम कैसे कर सकते हैं। तो अब ये जो नेट की साड़ी थी, ये इस तरह से सुखाने डाली है। पहले मैंने ये नेट की साड़ी यहाँ डाली थी, फिर सब पानी निकल जाने के बाद फिर यहाँ डाली है इस तरह से। फिर अभी इसे स्टीम आयरनिंग कर सकते हैं, रोल प्रेस भी कर सकते हैं। मैं इसे अभी स्टीम आयरनिंग करूँगा, और आपके पास अगर सादी इलेक्ट्रॉनिक प्रेस हो तो उससे भी आप इसे प्रेस कर सकते हैं।